हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अश्वनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग्स में। तो हमने ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है, सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी। तो पहले दो लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ा दिया है सौरमंडल के बारे में और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है हिंदी में अगर कहें तो, पृथ्वी की गतियाँ। देखिए, जो हमारी धरती है वो कुछ मतलब रोटेशन करती है, कुछ रेवोल्यूशन करती है, कुछ गतियाँ रहती हैं पृथ्वी की। जिस तरीके से दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, उसी तरीके से हमारी जो अर्थ है वो भी स्टेबल नहीं है। इसमें भी कोई ना कोई मोमेंट होती रहती है, हलचल होती रहती है। इसी मोमेंट को हम मोशन ऑफ द अर्थ के नाम से पढ़ते हैं और हिंदी में पृथ्वी की गतियों के नाम से इसको पढ़ते हैं। तो एज़ यूज़ुअल लेक्चर का फ्लो एक एक लाइन की मैं आपको हिंदी बताऊंगा और उसके साथ जुड़े हुए जो भी फैक्ट आएंगे उसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। ये लेक्चर जो सिक्स्थ क्लास का लेक्चर है एनसीईआरटी का, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्ज़ाम। तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें चैनल को और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन पढ़ते हैं। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि धरती की या पृथ्वी की दो टाइप की मोशंस होती हैं। एक को रोटेशन कहा जाता है और एक को रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्लियर। अब रोटेशन क्या होता है एक बार ये समझ लेते हैं। देखिए, रोटेशन इज़ द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, द मोमेंट ऑफ द, ठीक है, कि अर्थ की अपनी एक्सिस पर जो मोमेंट होती है उसको हम रोटेशन कहते हैं। सपोज़ ये हमारी अर्थ है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसके यहाँ पर हमने कुछ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रिगार्ड ऐसे हमने कुछ काल्पनिक रेखाएँ खींची थी। एक ये एक्सिस था जो कि 23.5 डिग्री ऐसे टिल्ट था। तो जब ये पृथ्वी अपने एक्सिस पर इस तरीके से घूमती है, अपने एक्सिस पर ही घूमती है, अब अपने अक्ष पर घूमती है, तो उस वाले मोशन को हम रोटेशन कहते हैं। समझ में आई बात। जब पृथ्वी सन के अराउंड चक्कर लगाती है तब उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर। क्लियर हुई चीज़। देखिए, एक ऐसे आसानी तरीके समझिए, जैसे एक कोई भी पुजारी है या कोई भी व्यक्ति है, पूजा करने वाला है। कई व्यक्ति होते हैं अपने स्थान पर खड़े होकर घूमने लग जाते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, और कई व्यक्ति होते हैं जो पूरे मंदिर के चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। जो पूरे मंदिर के चक्कर लगा रहा है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है यानी रेवोल्यूशन कर रहा है, और जो सिर्फ अपनी जगह पर खड़े होकर जो चक्कर लगा रहा है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्लियर। समझ में आई चीज़। तो उसी तरीके से ये हमारी अर्थ हो गई और ये हमारा ये भी हमारी अर्थ है। मतलब ये वाला जो पीरियड है जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है इसको हम रोटेशन कहते हैं, और जब ये सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो इसको रेवोल्यूशन कहा जाएगा। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन। देखिए, ये जो हमारे देखो यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारे एक्सिस की जो एंगल है वो है 23.5 डिग्री, और जो ऑर्बिटल प्लेन है वो है 66.5 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारा एक्सिस एंगल है वो है 23.5 डिग्री और ऑर्बिटल प्लेन है वो है 66.5 डिग्री। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन बाय ऑर्बिट प्लेन, कि वो प्लेन जो ऑर्बिट के अंदर फॉर्म होता है उसको हम ऑर्बिट प्लेन के नाम से जानते हैं। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। हमारी जो अर्थ है हम सभी जानते हैं कि ये लाइट सन से रिसीव करती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। अपना जो जियोइड शेप है, अर्थ की एक जो स्फेरिकल शेप है, इस वजह से
अर्थ का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिस पर एक टाइम पर लाइट पड़ती है, और एक टाइम पर ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर लाइट नहीं पड़ती है। मतलब कि यहाँ पर अगर दिन है तो इस वाले एरिया पर रात होगी, ठीक है ना? कि कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पर दिन होती है और कुछ एरिया ऐसा होता है सेम टाइम पर रात होती है, ठीक है? द पोर्शन फेसिंग ऑफ द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस इज द नाइट। क्लियर? द सर्कल दैट डिवाइड्स ऑफ द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहा जाएगा? वो एरिया जो डिवाइड करेगा, ठीक है? जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, और ये बीच का ये वाला सर्कल है, ठीक है? अब ये वाला जो ये जो लाइन है जो डिवाइड करती है अर्थ को दो हिस्सों में, जहाँ से दिन और रात का फर्क पता लगता है कि ये वाला जो एरिया होगा ये डे का होगा और ये वाला एरिया जो होगा ये नाइट का होगा। तो जो ये वाला सर्कल बनाएगी ये लाइन, इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? रोटेशन क्लियर हुआ, रेवोल्यूशन क्लियर हुआ, ऑर्बिट प्लेन और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है? उसके बाद दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सीन फिगर 3.2। द अर्थ टेक्स अबाउट द 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द एक्सिस। कि ये जो सर्कल है ये आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना? इसको अपने एक्सिस पर घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर लगता है। यानी ये वही टाइम है जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, लगभग अबाउट 24 आवर्स, ठीक है? द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। यही पीरियड एक पूरा पूरे दिन का काल कहलाता है, ठीक है? पूरा दिन कहलाता है। और दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ, यही है जो हर रोज, ये जो समय काल है पृथ्वी का, हर रोज एक दैनिक गति है, ठीक है? ये चीज़ हर रोज होती है। क्लियर? देखिए मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो हमारे पास ये एक्सिस से जो प्लेन एक्सिस से जो एंगल बन रहा है ये है कितना टोटल? ये एंगल है 23.5 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है ये कितना है? 66.5 डिग्री। क्लियर? वॉट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? क्या होगा जब अर्थ रोटेट नहीं करेगी? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जिस जो एरिया अर्थ का सन के सामने रहेगा वो हमेशा वहाँ पर दिन रहेगी, नॉर्मल सी बात है। और जहाँ पर सन की लाइट नहीं पहुँचेगी वहाँ पर क्या रहेगा? रात रहेगी, ठीक है? दस द ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन। तो इससे क्या होगा कि एक एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाएगी। द अदर हाफ वुड रिमेन द डार्कनेस एंड फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ ऑल ऑफ द टाइम। और जो बचा हुआ जो दूसरा भाग है वहाँ पर हमेशा रात रहने वाली है, और सन की ऊर्जा ना पहुँचने की वजह से, सन की लाइट ना पहुँचने की वजह से वहाँ पर क्या रहेगा? हमेशा ठंडा मौसम रहेगा, वहाँ पर हमेशा बर्फ जमने का हमें दिखाई पड़ेगा वहाँ पर। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर जीवन का निर्वाण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्लियर? द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। यानी कि जब ऑर्बिट के अराउंड अर्थ अपने सन के अराउंड चक्कर लगाती है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, और जो कि टाइम कितना लेती है? 365 एंड 1/4 डेज। इसको हम नॉर्मल भाषा में 365 दिन काउंट करते हैं। जो बाकी के जो 6 घंटे हैं ना हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं एक बार में, ठीक है? और बाद में हम इसको जब 4 साल में इसको यही लीप ईयर का काउंट होता है, ठीक है? 6 4 24 करके। क्लियर? ओवर स्पैन 4 ईयर्स, इसको हम लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं। दिस सरप्लस डे इज एडेड फॉर द मंथ ऑफ द फरवरी। यानी जो फरवरी के मंथ में, वैसे तो 28 डेज होते हैं लेकिन एक दिन जो बढ़ जाता है हर 4 साल के बाद, तो वो 366 डेज का कहलाता है लीप ईयर। क्लियर? फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग टू अराउंड द सन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है सन,
ये सन है और ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ मूव करती है सन के जो जो शेप में मूव करती है वो जो शेप कहलाती है एलिप्टिकल, ठीक है, वो एलिप्टिकल शेप कहलाएगी हमेशा, और उसी को एलिप्टिकल ऑर्बिट का नाम दिया जाता है। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। हमने ये एक चीज़ नोटिस की थी ना अभी पीछे, हमने डायग्राम देखे, ये ऊपर वाली जो डायग्राम इसमें देख रहे हैं हम लोग, तो ऐसा तो नहीं है कि ये पृथ्वी यहाँ से ऐसे मूव करती है फिर वापस मूव कर जा रही है इस डायरेक्शन में। पृथ्वी की एक ही डायरेक्शन होती है रेवोल्यूशन के टाइम पर या फिर रोटेशन के टाइम पर, हमेशा फिक्स डायरेक्शन में वो मूव करेगी, ठीक है, क्लियर। दूसरी लाइन देखते हैं, अगली लाइन का क्या मतलब है। अ ईयर इज यूजली डिवाइडेड इंटू समर एंड विंटर, स्प्रिंग एंड एक्टम सीजन्स। जो हमारे धरती का जो पूरा साल है वो डिवाइड, हमने इसको डिवाइड कर दिया है सर्दियाँ गर्मियों और पतझड़ वर्षा, ऐसे ऐसे मौसम में हमने इसको बसंत शरद ऋतु में बांट दिया है। उसके अलावा अगर हम देखें आगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, देखिए 3.3 को आप लोगों ने सारी फिगर को देख लिया होगा, उस फिगर को यू विल सी दैट 21 जून, ठीक है, जो 21 जून होता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर से दोबारा से यहाँ पे, देखिए 21 जून को डायरेक्टली जो लाइट है वो सन के अर्थ के ऊपर पड़ती है, ठीक है। जब डायरेक्टली लाइट पड़ेगी सन के ऊपर तो वो आपका गर्मियों का सीज़न होगा, और उस सीज़न को हम 21 जून के नाम से जानते हैं, ठीक है। 21 जून को वो पूरे के पूरे वहाँ पर कर्क रेखा पर डायरेक्टली लाइन जो लाइट लाइट पड़ेगी वो सन की, वो डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है। देखिए एक इस तरीके से हम बना लेते हैं, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और अब यहाँ ये सन है, ठीक है, इधर से लाइट पड़ रही थी, छोटा सन बना दिया मैंने यहाँ पे गलती से, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए था। वैसे आप समझ लीजिए बस कि यहाँ पर हमारे पास 23 एंड 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती थी नॉर्थ के पर। तो जो ट्रॉपिक यहाँ से लेकर ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जो लाइट है वो डायरेक्टली पड़ती है सन की सारा साल, ठीक है, सारा साल सन की लाइट डायरेक्टली पड़ती है। और जब सीधा पैरेलल पड़ती है लाइट कर्क रेखा पर, तो वो जो दिन होता है वो 21 जून का दिन होता है, ठीक है। द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज ट्राइड टू टुवर्ड द सन, इस टाइम क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है वो डायरेक्टली पड़ता है, वो डायरेक्टली सन के साइड में होता है, क्लियर। इस वजह से होगा क्या कि जब यहाँ पर लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर लाइट नहीं पड़ेगी, ये ऊपर ऊपर वाले एरिया में, नीचे नीचे वाले एरिया में, तो यहाँ पर क्या होगा, जब लाइट नहीं पड़ेगी तो ठंड का मौसम हमें देखने को मिलेगा, क्लियर। तो एज द रिजल्ट द एरियाज रिसीव मोर हीट, द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवार्ड द सन इज द प्लेस बायोन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। तो लगभग 6 मंथ तक क्या रहेगा यहाँ पर, जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी लाइट, यानी कि यहाँ पर जब कर्क रेखा पे होगी ना तब 21 जून का टाइम आता है, एक चीज़ ये भी याद रखना है, यहाँ पर जब कर्क रेखा पे डायरेक्टली लाइन पड़ेगी लाइट पड़ेगी तो 21 जून का टाइम होगा, और जब यहाँ पर पड़ेगी तो 22 दिसंबर का टाइम होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। तो लगभग लगभग कितना टाइम हो गया, 6 महीने का टाइम हो गया ना, तो इस 6 महीने के टाइम पर यहाँ पर क्या रहेगी, हमेशा ठंड रहने वाली है, ठीक है। एज अबाउट द 6 मंथ दे एक्सपीरियंस कंटिन्यूड डे लाइट, क्लियर। सिंस द लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट्स समर इन द रीजन नॉर्थ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, क्लियर। अब देखिए अभी मैंने बताया यहाँ पर क्या होगा, जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर गर्मी होगी, और यही जो दिन होता है ये सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ पर, सबसे बड़ा दिन होगा यहाँ पर और सबसे छोटी रात होगी, इसी को हम समर सोलिस्टिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी जो 21 जून होगी द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिक, हिंदी में इसको बोलेंगे उत्तर अयनांत, क्लियर। उसके बाद जो 22 दिसंबर का दिन होता है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे मैंने पहले ही बताया था आपको, यहाँ पर डायरेक्ट लाइट पड़ेगी 22 दिसंबर के टाइम पर, और इस वजह से जो यहाँ पर इस वाले जो टाइम को यहाँ पर
ठीक है जी। इसमें क्या होता है, 22 दिसंबर वाले दिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर डायरेक्ट सन की लाइट पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी 22 दिसंबर को, जो भी एरिया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आने वाला एरिया रहेगा। इसको विंटर सॉल्टाइस के नाम से भी जाना जाता है। विंटर यानी कि जो हमारा दक्षिणी आयनांत या फिर सर्दियों वाला आयनांत के नाम से भी जाना जाता है। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेट ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन? आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर समर सीजन के अंदर? मेन कारण वही रहेगा कि जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया जो पड़ता है ये कैप्रिकॉन के नीचे पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे पड़ता है। इसी वजह से जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो वहाँ पर क्या रहने वाला है, सर्दियों का टाइम रहेगा। ठीक है, वैसे दिसंबर में हमारे यहाँ पर सर्दियाँ रहती हैं, क्लियर, और वहाँ पर गर्मियाँ रहती हैं। ठीक है, ऑन 21 मार्च ऑफ सेप्टेम्बर और 23 डायरेक्ट रेज द सन फॉल फ्रॉम द इक्वेटर। 21 मार्च को और सितंबर 23 को जो सन की लाइट है वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती है। इस वजह से क्या होता है कि कोई भी चेंज नहीं होता, कोई भी एंगल का चेंज नहीं होता, और इस दिन दिन और रात दोनों सेम रहते हैं। इसी वजह से इसको इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर, समझ में आई बात? इसको इसी वजह से इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। ऑन 23 सेप्टेम्बर इट इज ऑटमन सीजन इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड द स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसमें यहाँ पर बसंत ऋतु मनाई जाती है। क्लियर, 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, बिल्कुल उल्टा होता है 21 मार्च को, बिल्कुल ऑपोजिट होता है इस दिन। ठीक है भाई, ऑपोजिट में क्या होगा कि जब 21 मार्च को यहाँ पर जहाँ पर स्प्रिंग थे वहाँ पर ऑनेस्ट होगा, जहाँ पर शरद ऋतु थी वहाँ पर अब बसंत ऋतु होने वाली है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। यहाँ से हमारी 6th क्लास के मोशंस, अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ भी ख़त्म हो गई अब। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।